हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एसके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि दो अनमैरिड कपल्स क्या साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, और दूसरा उस जजमेंट के बारे में जो कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल सुनाया है और जिसने आज के अखबारों में तहलका मचाया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नजर डालते हैं आज के कंटेंट पे। दोस्तों, साल 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जाने माने केस नंद कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर एक यूनिक और स्पेशल जजमेंट दिया। हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है। दोस्तों, जब कोई लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, जो कि मेजर है, 18 साल से ऊपर की लड़की है और 21 साल से ऊपर का लड़का है, वो दोनों आपसी सहमति से बिना शादी किए जीवन व्यापन करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ, लेकिन शादी वो नहीं कर रहे हैं, साथ में उन्हें रहना है, तो वही एक लिव इन रिलेशनशिप रिलेशन कहलाता है। और साधारण भाषा में कहूँ, ऐसे कपल्स जो एक छत के नीचे बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। और एक बात मैं इसमें आपको बता दूं, लिव इन रिलेशनशिप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है, जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उन्हें ना तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने की जरूरत है, ना सोसाइटी से पेरेंट परमिशन लेने की जरूरत है, और ना ही अपने किसी रिलेटिव से परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में आप कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं है, क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ आप दोनों अपनी कंसेंट पे एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन की, कि कितने समय तक वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, यानी कि साथ रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में समय सीमा कोई नहीं है, जितना चाहे आप साथ रह सकते हैं, चाहे तो 10 साल, 20 साल, एक महीना, दो महीना, और दोस्तों जब चाहे तब वो कपल्स अलग भी हो सकते हैं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है उन्हें अलग होने के लिए। तो ये होता है लिव इन रिलेशनशिप, जिसे शादी का दर्जा कानूनी रूप से नहीं दिया गया है। तो लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर मेरी तो सिर्फ एक यही राय है कि ऐसा कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच लें, 100 बार सोच लें, क्योंकि ना तो फ्यूचर में आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी कानून से कि आप जा सकते हैं कोर्ट के, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं अगर आप अलग रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ अपनी कंसेंट से रह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सोसाइटी को आपको झेलना पड़ेगा पूरी को, जहां आप रह रहे हैं वहां पर दुनिया क्या बोलेगी ये सब देखना पड़ेगा आपको, और आपके जो पेरेंट्स हैं आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप जो है एक काफी बड़ा कदम है जो आप उठा रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को ना तो कोई समाज में इज्जत मिलती है, समाज से आपकी पूरी इज्जत चली जाएगी अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। हालांकि ये क्राइम तो होगा नहीं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आ गया है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए अगर आप कभी अलग होते हैं तब आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, समाज को आपको झेलना पड़ेगा, और आपके अपने पेरेंट्स के सामने भी आप खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। तो ये तो रही लिव इन रिलेशनशिप की बात। अब बात करते हैं उस जजमेंट की जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल सुनाया है और आज के अखबारों में उसने तहलका मचाया हुआ है। तो जजमेंट ये है फ्रेंड्स, दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई जिसमें एक शादीशुदा औरत ने और उसके पार्टनर ने, पार्टनर यानी कि जो उसका हस्बैंड नहीं है जिसके साथ वो अपना जीवन व्यापन कर रही थी, उसने ये मांगा हाई कोर्ट से कि जो हमारी रिलेशनशिप है, जो हमारा रहना सहना है, उसे लिव इन रिलेशनशिप का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने इसे गलत मानते हुए एक अपराध का दर्जा दिया और कहा कि पति से तलाक लिए बिना दूसरे पुरुष के साथ रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाता, बल्कि एक दुराचार का अपराध है, और जिस पुरुष के साथ वो रह रही है वो पुरुष भी धारा 494 और 495 ऑफ आईपीसी का अपराधी कहलाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था डिटेल्ड वीडियो लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है। लास्ट में एक बार और मैं बता दूं आपको कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं शादीशुदा होने के बाद भी कि आपको लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रहना है, तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जैसे कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट था। तो सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे कि नॉलेज जो है सबको मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो
चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।